सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को इस बात के निर्देश दे दिए गया है कि अपने अपने विकास खंडों में अगर ऐसे कोई भी विद्यालय चल रहा है उसकी सूचना एकत्र करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसको हमको लगातार इसकी मॉनिटरिंग करनी होती है कि अगर बंद करने के बावजूद अगर किसी तरीके से वो चोरी छुपे चलाते हैं, इनकी सूचना प्राप्त होती है तो पुनः उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। हमारे यहाँ टीम गई थी हरपालपुर ब्लॉक में, वहाँ 15 विद्यालयों को सूचीबद्ध किया गया है कि माना विहीन विद्यालय है, लेकिन वो सभी 15 के 15 चलते पाए। इस विषय में अभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, संज्ञान में लाया गया है आपके द्वारा संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से तत्काल बात करते हुए इस विषय में आख्या दी जाएगी, अगर चल रहा है तो उनको जरूर करवाएंगे। इसमें एक विद्यालय है सरस्वती ज्ञान मंदिर जिसका प्रक्रम बड़ा जोरों पर रहा, उसने मुख्यमंत्री से भी शिकायत की और उसके संदर्भ में भी पूरी आख्या लिख के दे दी गई है। जब खंड शिक्षा अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने सारी संस्तुति लिख के दे दी है, उसके बाद भी ऐसे साफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसको मैं देखूंगा, यदि उन्होंने लिख करके दिया है ऐसी बात है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। तमाम विद्यालय ऐसे हैं जो मानक के अनुरूप चल रहे हैं, मगर शिक्षा विभाग इस तरह बिल्कुल भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। जिले के हरपालपुर में दर्जनों विद्यालय आज भी मानक के अनुरूप चलाए जा रहे हैं, जिनकी मान्यता तो कक्षा 5 तक है, पर वहाँ पर आज भी कक्षा 8 की क्लासें लगाई जा रही हैं। लेकिन हरदोई जिले का शिक्षा विभाग बेसुध हुआ पड़ा है। हरदोई से ईटीवी के लिए आकाश शुक्ला।